मैं सीमा बोदानी ट्यूलिप बुटीक में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको मेंस शर्ट बताने वाली हूँ। ये 12 से 14 साल के बच्चे की शर्ट है। इसको मैं सबसे पहले लंबाई लेना बता रही हूँ आपको, पूरा मेजरमेंट बता के तब मैं काटना बताऊंगी। ये लंबाई है, टोटल लंबाई 25 रखनी है, जिसमें बैक साइड में कम लेंगे। ये योक कहलाता है, 16 इंच का तीरा है इसका शोल्डर। ये 4 से 5 इंच तक कटता है, जो 1 इंच आगे भी आता है, और आगे की लेंथ कम कटेगी, वो काटते समय सारा बताऊंगी। ये सीना है, यहाँ आर्म होल के बिल्कुल नीचे से सीने का नाप लिया जाता है। ये इस तरह से सिलाई के पास, इस सिलाई से इस सिलाई तक सीना नापेंगे। इसका सीना है 2 इंच, यहाँ से माइनस करेंगे, 30 सीना कहलाएगा, 30 सीना। और लंबाई आपको पहले बता दी। ये कॉलर है, जितना हमने आपको पीछे शोल्डर बताया है उतने ही बैंड पट्टी होती है, 16 इंच, जैसे शोल्डर 16 होता है, बैंड पट्टी कॉलर से 1-1 इंच आगे होती है, बड़ी होती है, कॉलर 1-1 इंच पीछे होता है। ये कॉलर ये 2 हिस्से में कटेगा, काटते वक्त सारा आपको नाप समझा रही हूँ, बता रही। ये शोल्डर की सिलाई से लेके वहाँ की नाप लेते हैं लंबाई। ये कफ अलग रहते हैं, इसलिए कफ को माइनस करके हमें, जैसे ये वहाँ की लंबाई 19, 19.5 आ रही है, तो इतना ही रखना है। 2 इंच के कफ आते हैं, ये कफ 2 इंच के अलग से लगते हैं, ये मैं आपको काटते वक्त कपड़े पे बताती हूँ। ये बटन पट्टियाँ हैं दोनों साइड की, एक साइड तो पूरा अंदर मुड़ जाएगा, और ये बटन पट्टी जो है शो के लिए है, काज होंगे इसके ऊपर, ये बटन पट्टी अलग से लगाएंगे ताकि यहाँ सिलाइयाँ दो आ सकें। सबसे पहले हम बैक की लंबाई लेंगे। ये बैक शोल्डर के नीचे से शोल्डर अलग योक जुड़ा हुआ है, इसको योक भी कहते हैं शर्ट का, और यहाँ से लेके लंबाई लेंगे 22, 22.5 इंच आ रहा है, इधर भी सिलाई जा रही है उधर भी। अब ये हम शर्ट की चौड़ाई लेंगे, सीना यानी सीने की 30 है, 30 का चौथा भाग 7.5 + 2 = 9.5 तक रखेंगे। अब फ्रंट है, ये फ्रंट का हिस्सा 25 इंच लंबाई आ रही है, योक को हटा के 25 ही रखेंगे और 1 इंच प्लस करेंगे। ये फ्रंट साइड है, किनार वाला कपड़ा लेते हैं, दोनों किनार के कपड़े हैं। ये पट्टियाँ मोड़ेंगी शर्ट में काज बटन के लिए, एक पट्टी ऊपर से आएगी और एक अंदर जाएगी। ये लंबाई चौड़ाई बराबर है, सीना जैसे उसका नापा था बैक का। बैक की लंबाई कम और इसकी ज़्यादा इसलिए है, पीछे जो बैक में योक जोड़ेंगे, योक थोड़ा सा आगे आएगा, उसके बाद हम आपको गले की कटिंग वगैरह बताएंगे। ये बाहों की लंबाई लिए मैंने, 20 इंच है, 20 तैयार है, और मैंने ये पीछे थोड़ा कटा हुआ है इसलिए 1 इंच आगे बढ़ा के लिया है, ताकि काटने में कोई दिक्कत ना आए। पहले लंबाई को अलग कर लेंगे। ये लंबाई अलग कर रही हूँ। हल्की तिरछी कटिंग। कंधे की कटिंग होएगी इधर से 2.5 इंच। ये कपड़ा कम है तो इसमें कटिंग में चला जाएगा, हम लंबाई बिल्कुल 20 तैयार रखेंगे।
अब दो हिस्से उठा के आगे की थोड़ी कटिंग, ये कॉलर है, आप इसे डबल कपड़ा समझिए, मैंने सिंगल ही रखा है कागज़ इस सिर्फ दिखाने के लिए पेपर पे। शोल्डर जैसे 16 है तो उसका आधा कॉलर होगा 8, ये 8 रख दिया, 8 प्लस थोड़ा सिलाई का आधा इंच। ऐसे में 2.5 इंच रखेंगे, थोड़ा सिलाई जाएगा। ये कॉलर है, ये बैंड पट्टी कहलाती है कॉलर के नीचे, ये भी 1.5 इंच की लेंगे, तैयार होके 1 इंच की बैठेगी। अब मैं काटना बताती हूँ। ऐसे हल्की सी ऊपर शेप ले लेंगे, कोना बैठेगा कॉलर का, और इसकी गोलाई। ये कॉलर पूरा और बैंड पट्टी तैयार है। ये शर्ट में बैक में जो योक लगेगा 16 इंच का है योक, तो हम 17 रखेंगे, दोनों तरफ आधा आधा इंच सिलाई जाएगी, इसलिए 17 ले लिया। और चौड़ाई में 5 इंच है, 5 साढ़े 5 इंच ले लिया। इस तरह से योक कटेगा और योक में ही थोड़ा सा गले की हल्की शेप होगी, वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से ही हल्की सी शोल्डर की जैसे शेप देते हैं, यूं करते हुए अब हम कपड़े को डबल कर लेंगे। गले की हल्की सी गोलाई यहीं से आएगी और शोल्डर की तिरछी कटिंग। ये योक तैयार है बैक में लगाने के लिए। ये कफ की चौड़ाई 9.5 इंच है, तो हम 10 रख लेंगे, थोड़ा सिलाई में जाएगा। और लंबाई कफ की 2.25 इंच है, हम 3 इंच रखते हैं, थोड़ा सिलाई में जाएगा या 2.75 इंच। ये 10 इंच हो गई चौड़ाई सिलाई समेत, और 2 कफ बनने हैं। ये कपड़ा डबल है, डबल को और डबल करेंगे, 2 कफ बनेंगे, 2.75 इंच ऐसे में रख दिया। ये हमने नाप से आपको पेपर काट के बताया। पेपर को अब हम बकरम पर रख के काटेंगे, ये बकरम कॉलर के अंदर लगता है, डबल कॉलर कटेगा इस कपड़े का। पहले ये कॉलर काट लेते हैं, डबल रख के काटा है, इस तरह से निशान लगा देंगे। इसकी कटिंग यूं जाएगी और बैंड पट्टी इसके नीचे ही आती है, वो इसी में से इस तरह से कट जाएगी। ये कॉलर और बैंड पट्टी के लिए कपड़ा लिया हमने, इसको डबल किया है, और डबल करने के बाद इस तरह से चौड़ाई में डबल करेंगे। बंद साइड इधर रखेंगे,
और बेंड पट्टीज के नीचे बिल्कुल पूरा आ रहा है, ऐसे रख के कट। पहले कॉलर को अलग कर लेते हैं, इधर से वन साइड होनी चाहिए, इधर से ओपन। ये कॉलर और ये बैंड पट्टी कटी पड़ी हैं, इनके साथ हम इसको जोड़ेंगे। ये फ्रंट का भाग है शर्ट का, इसमें आगे की जो लेफ्ट साइड की पट्टी है उसको हम ऊपर की साइड डिज़ाइन देके मोड़ेंगे, ऐसे दोनों तरफ सिलाई आएगी। ये एक पैर का सिलाई होती है, बराबर बराबर लगाएंगे। ये फ्रंट साइड की पट्टी है, लेफ्ट साइड में हमने ऊपर से इस तरह से सिलाई देके मोड़ा है, अच्छी डिज़ाइन आ रही है। ये बैक में ऐसे ही मोड़े, इस पर बटन आएंगे, इस पर काज होंगे। ये हमने पट्टी पे दोनों साइड सिलाई लगाई है, इधर भी इधर भी, और इधर वाली अंदर मोड़ी है। ये गले की कटिंग इधर से 2.25 इंच है। ये सामने की दोनों पट्टियाँ एक दूसरे को ऊपर रखेंगे, अंदर अंदर सीधा है, बाहर उल्टा है। ये दोनों पट्टियाँ रखने के बाद हम इधर से गला काटेंगे। गले की कटिंग ले रही हूँ, यहाँ से 2.25 इंच रखा है और इधर से 2.25 इंच। बाकी वहाँ से ऊपर से शोल्डर पीछे से आएगा, इधर का शोल्डर मैं आपको बता रही हूँ। ये भी कम कटिंग होएगी क्योंकि ऊपर जाएगा, यानी हम सीने का चौथा -1 करते हैं, इसमें सीने का चौथा -2 करेंगे, सीने का चौथा -2, यहाँ 4 इंच की कटिंग आएगी। इधर से 1 इंच की गोलाई लेंगे, 1 या 1.5 इंच की। ये जो पीछे बैक का योक मैंने काटा था, डबल होता है हमेशा कपड़ा, और इसको आगे वाले शोल्डर के साथ जोड़ेंगे पहले, बाद में बैक वाले पोर्शन के साथ जोड़ेंगे। इसलिए इसको जोड़ने के लिए एक पीस ऐसे लिया और ऐसे लेके हम तिरछी सिलाई देंगे जैसे शोल्डर में देते हैं। ये एक पीस मैंने इधर से रखा है शोल्डर में, और एक इधर से बीच में शर्ट का आगे का भाग कटा हुआ है, इसके साथ जुड़ रहा है। तीनों पीस बराबर जुड़ने चाहिए, ये तीनों पीस जुड़ रहा है। ये शर्ट के आगे का भाग अंदर है, सीधा है, और ये भी सीधा है, ऊपर से उल्टा है। अब ये शोल्डर इसके साथ जुड़ जाएगा, तीनों पीस बराबर, यहाँ से बराबर होना चाहिए गले की तरफ, ऐसे गला बीच में छोड़ देंगे। अब ये तीरा जुड़ चुका है शोल्डर पीछे का योक, और इसमें अब दबाव वाली सिलाई आएगी यहाँ पर मशीन से दोनों शोल्डर, दोनों कपड़ों को खींच के सिलाई के ऊपर। ये बैक का शोल्डर अब जोड़ेंगे, फ्रंट का जुड़ चुका है। ये जोड़ने के लिए हमें बीचों बीच सेंटर में ये निशान लगाया है दोनों को मिला के, यहाँ एक बहुत बड़ी बॉक्स प्लेट डालेंगे शर्ट में जो आती है इस तरह से, ताकि ये शोल्डर बराबर बैठे। ये बॉक्स प्लेट लग गई है पीछे जो बीच में लगती है सेंटर में, अब शोल्डर में भी हम इस तरह से कट लगा लेंगे ताकि बीच में ही आए और सिलाई कर देंगे पीछे की साइड। योक को इसके साथ जोड़ेंगे शर्ट के साथ इस तरह से रख के, और ऐसे सिलाई लगाएंगे, या पहले अंदर सिलाई लगा के और ऊपर से दबाव वाली सिलाई दी है।
अंदर अंदर सीधा है, बाहर बाहर उल्टा है, सीधी सिलाई आएगी बस और कुछ नहीं। ये जो प्लेट हमने डाली है सेंटर में है, ये कट का निशान भी शोल्डर का बीच में है, अब पूरे में सिलाई दे देंगे। ये जो योक हमने जोड़ा है, योक के ऊपर दबाव वाली सिलाई रहेगी ऊपर की साइड, नीचे प्लेट है। ये कपड़ा भी नीचे दब रहा है ऊपर की साइड योक की तरफ। ये पॉकेट बनाई है, पॉकेट में सीधी सी ऊपर पट्टी लगाई है अंदर की साइड से, अब सीधी तरफ मोड़ेंगे ऐसे। अब इस पट्टी को लगा के सीधी साइड मोड़ के और दबाव वाली सिलाई लगाएंगे। अब इसको ऐसे तिरछा फोल्ड करेंगे, इस साइड से ज़्यादा कपड़ा और इधर से कम, जैसे नोक बन जाए, फिर इधर से कम और इधर से ज़्यादा लेके तिरछा मोड़ेंगे। ये कॉलर के दो पीस हैं, दोनों ये जोड़ेंगे और ऊपर से बकरम रखेंगे, दो नीचे ये पीस रख दिए हैं, तीनों को साथ जोड़ना है। और ये साइड गले में जुड़ेगी शर्ट के साथ, ये तीन साइड हमको बंद करनी है। ये तीन साइड हम बंद करेंगे सिलाई देके। ये तीनों साइड जुड़ गया, अब इसको कट लगाएंगे ज़रा सा ताकि कोना आसानी से सीधा हो। अब इसको ऐसे सीधा करेंगे, वक्रम बीच में आ जाएगा। इसकी बराबर नोक निकालेंगे दोनों तरफ से कॉलर की। अब इस पर हमने सीधा कर दिया है, दबाव वाली सिलाई देंगे। आप देखिए तीनों साइड, कपड़े को पकड़ के तीनों तह को अच्छे से दबाएंगे। ये कॉलर पूरा जुड़ चुका है, सफाई से सिलाई भी लग गई। अब ये तीन बैंड पट्टी हैं, इनको भी इसी तरह से दो को हम पहले हम सबसे पहले निशान लगाएंगे बीच का सेंटर का, तीनों को इसे मोड़कर बैंड पट्टी तीनों को साथ ही सेंटर में निशान लगाएंगे ताकि कॉलर में लगाने में आसानी रहे। दोनों साइड से लगाएंगे क्योंकि एक गले में जुड़ेगी और कॉलर को उठाकर इसमें भी लगाएंगे निशान सेंटर में। पहले ये एक रखिए, इस तरफ करके रखेंगे, सिलने के बाद पलट के ऐसे कंधा बैंड पट्टी हो जाएगी। अब इसके ऊपर कॉलर रखेंगे सीधा सेंटर के निशान से मिलाते हुए, और इसके ऊपर फिर एक पट्टी, इसके ऊपर बकरम। इस तरह से सबसे पहले हम सेंटर से शुरू कर रहे हैं, इधर का इधर ले लेंगे गोलाई कंधे की और इधर बैंड पट्टी की इधर ले लेंगे। लगा रही हूँ जैसे पहले बताया, ये बीच में कॉलर दबेगा, बैंड पट्टी, कॉलर, फिर ये बैंड पट्टी और ऊपर बकरम। सेंटर से शुरू कर रही हूँ,
कॉलर के बाद ये बैंड पट्टी को यहाँ गोलाई ले लेंगे इस तरह से पीछे कर लेंगे। अब आधा लगा लिया, सेंटर से आधा और लगाना इस तरफ। ये सारे पट्टियाँ जुड़ेंगी आपस में। ये कफ हैं दोनों बाहों के, एक ये है और एक ये, इनको मैं नीचे बकरम लगा रही हूँ। डबल रखा है मैंने इसको करके, कपड़े को कफ को डबल करके ये साइड खुली छोड़ेंगे, इधर की साइड तीनों बंद हो जाएंगी। ये बाह के साथ जुड़ेगा सीधा होके। ये कन बैंड पट्टी और कॉलर जोड़ चुका है, ऐसे सीधा कर लेंगे। ये सीधा हो गया। जैसे यहाँ पर सिलाई आई है दबाव वाली, ये सिलाई ऐसे ही यहाँ बैंड पट्टी पे लगाएंगे और ये कॉलर उसके साथ शर्ट के साथ जुड़ेगा। ये दोनों बाहों के कफ अब मैंने सीधे कर दिए। अब इसमें बकरम लग चुका है, यहाँ पे वही दबाव वाली इतनी पतली सिलाई लगाएंगे, तो जितनी तीनों साइड लगाएंगे और एक वहाँ के साथ जोड़ेंगे कफ। ये बाहें हैं, बाहों में ये बैक साइड में 4 इंच 4 साढ़े 4 इंच की ये बीच में कटिंग होएगी। इस तरह से पट्टियाँ लगेंगी, पट्टियाँ लगने के बाद कफ लगेंगे नीचे। ये डबल पट्टियाँ हैं, ये लगाऊंगी इस तरफ, ये इस तरफ, और नीचे से शुरू करूँगी उल्टी साइड से, फिर सीधी तरफ मोड़ूँगी। दोनों ही डबल लगेंगी। ये लग चुकी है, अब इसको मैं ऊपर की साइड सीधी तरफ ही वापस मोड़ रही हूँ। ये सिलाई का कपड़ा अंदर दबना चाहिए इस तरह से। बहुत ही आसान है ये पट्टियाँ। ये भी उल्टी तरफ से अंदर से लगाएंगे और बाहर की तरफ सीधी तरफ मोड़ लेंगे। ये लग चुकी है, सिलाई का कपड़ा अंदर मोड़ देंगे, इसको ऊपर से मोड़ेंगे, एक मोड़ देके थोड़ा सा ऊपर से चौड़ा रखेंगे इस तरह से। ये बड़ी पट्टी कहलाएगी, ये इसके ऊपर आएगी इस तरह से, और यहाँ पर थोड़ा क्रॉस में कर देंगे। मशीन को रोक कर अब इसको कपड़े को निकाल के पट्टी को पट्टी के ऊपर लाएंगे। ये अंदर पट्टी है, ये दबेगी, इस पर बटन आएंगे, इस पर काज होंगे और यहाँ पर कफ जुड़ेगा वहाँ में। इस पट्टी को ऐसे रख के जो ज़्यादा है थोड़ी उसको काट देंगे। इसे हाथ से ठीक करके इस तरह से यहाँ लाके चौकोर सा बना देंगे।
ऐसे एक प्लेट्स आएगी वहाँ पे, और ये वहाँ की पूरी सिलाई लगेगी बाद में। सिलाई लगने के बाद ये कफ जोड़ के बताऊंगी मैं दोनों भावों में। ये शर्ट पूरी जुड़ चुकी है, अब हम इसका शोल्डर काटेंगे। शोल्डर की कटिंग लेंगे मुड्डे की, सीने का चौथा माइनस वन, सीने का चौथा भाग है 7.5, माइनस वन 6.5, ये आगे का है इसके साथ मिलेगा। और ये पीछे की कटिंग है, पीछे की कमी होती है, वो पहले थोड़ी कर रखी थी, आपको दिखाई थी। अब यहाँ से साइडें बंद करेंगे, थोड़ी कमर की हल्की सी शेप लेंगे यूँ लेते हुए, उस साइड भी ऐसे ही करेंगे, और यहाँ से हल्की सी कमीज की गोलाई ले लेंगे। शर्ट में गोलाई भी होती है और सीधा भी रखा जाता है। ये यहाँ से शुरू करेंगे, कफ इधर से सीधा है, इसको ऐसे लिया और इस पट्टी से लेके जो बड़वा पट्टी लगाई है हमने, इससे शुरू करेंगे। ये सिलाई दबाई हुई है, सिलाई के ऊपर दबाते हुए पूरा राउंड में लगेगा। ये इतना कपड़ा ये बढ़ रहा है वहां का, वो इसीलिए बढ़ रहा है, बढ़ा के रखा है इस पट्टी के पास। कम से कम 3 अंगुल छोड़ के एक बड़ी सी प्लेट आएगी। इस तरह से कप लगेगा, इसको यहाँ से थोड़ा खोल लेंगे। प्लेट की साइड इस तरफ हो, इस तरह से खुली पट्टी की तरफ। यहाँ तक पूरा ये कफ लग चुका है। एक साइड से मैंने लगाना बताया, दो हिस्से उठाए थे, बकरम और एक कफ का साइड, और जो दूसरा जो साइड है वो हम अंदर फिनिशिंग के लिए दबाएंगे ये कपड़ा, और अंदर सिलाई आएगी। सिलाई को दबाते हुए इसका किनार मोड़ेंगे और इसके ऊपर रखकर सिलाई दबाएंगे। चाहे तो आप कच्चा भी कर सकते हैं सीखने के लिए, और यूँ लगाना चाहें तो यूँ भी लगा सकते हैं। ये प्लेट दबाइए, ये कपड़ा दब रहा है, बस ऐसे ही सारा लगेगा। दिखाई देती ये जो पट्टी लगाई थी आगे सामने वाली फ्रंट में, इससे दबाएंगे कॉलर, यहाँ से शुरू करेंगे। ये शर्ट का गला है, ये पट्टियाँ मुड़ी हुई आगे सामने की, और ये कॉलर है, कॉलर हम सीधा रखेंगे ये वाला, और बीच का मैंने टक निशान लगा दिया गले पे। यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक ख़त्म करेंगे। ये यहाँ से शुरू करेंगे ऐसे। ये बैंड पट्टी का एक हिस्सा है जो जुड़ रहा है, दूसरा बकरम के साथ है, वो अंदर मोड़ के तब सिलाई लगाएंगे, पहले एक ही हिस्सा लगा रहे हैं। शोल्डर का ये हिस्सा आ गया यहाँ पे जॉइंट को। हाँ, ये बीच का निशान है, ये यहाँ पे जुड़ रहा है।
ये कॉलर लग चुका है इस तरह से। अब इसको पूरा सिलाई अंदर मोड़ कर, कपड़ा सफाई से अंदर मोड़ के ऊपर से इसको दो जो तय हमने बचाई थी बकरम और उसकी, ये लगा देंगे। यहाँ सिलाई लगाएंगे, कॉलर लग गया। अब इसको अंदर फिनिशिंग से मोड़ेंगे यहाँ से लेके एंड तक। ये यहाँ वहाँ लगानी है, ये आर्म होल है, ये शर्ट उल्टी है, उल्टी करके रखी है और वहाँ हमने सीधी कर ली है। आगे की कटिंग आगे के साथ मिलाएंगे तो सल बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आपको लगता है थोड़ा ये कम है तो थोड़ा इसको खींच के लगाएंगे, वहाँ पूरी आ जाएगी, सल नहीं आएगा। वहाँ को अंदर डालते हैं इसमें और जोड़ को जोड़ के साथ मिलाएंगे साइड की सिलाई। ये शर्ट की आगे की कटिंग है और ये बैक की है, इसलिए आगे की कटिंग उल्टा करके रखेंगे और वहाँ की ये आगे की कटिंग आ रही है, ये रही, ये बैक की है, ये फ्रंट की है। फ्रंट की कटिंग फ्रंट के साथ मिलाएंगे, वहाँ सीधी और शर्ट उल्टी। ये वहाँ की आगे की कटिंग गहराई से की हुई है, ज़्यादा लेते हैं इसलिए आगे की कटिंग शर्ट की भी ज़्यादा लेते हैं और दोनों को साथ मिला के जोड़ते हैं। अगर बैक में आगे की कटिंग चली जाएगी तो सल आएगा, वरना नहीं आएगा। ये साइड की सिलाई, वहाँ की साइड सिलाई, शर्ट की साइड की, दोनों एक साथ होनी चाहिए। ये बाँह पूरी राउंड में जुड़ जाएगी और दूसरी बाँह भी ऐसे ही जोड़ेंगे। ये शर्ट तैयार हो चुकी है, कॉलर एकदम मस्त बना है और ये आर्म होल है। जैसे कि आपने हमसे पूछा है कि सल आते हैं, अगर बाँह की गहराई वाली कटिंग आगे की गहराई की होती है, शर्ट की भी गहराई की, तो वो साथ में जुड़ी होगी तो कभी सल आएगा नहीं। ये कफ है, ये बटन पट्टी है, इस तरह से बाएँ भी तैयार है। ये प्लेट्स आती है बाह में। ये शर्ट का बैक है, ये शोल्डर हम लगाते हैं जो अलग से आगे तक आता है और ये प्लेट्स है। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।